पता नहीं मेरे बाप ने तुझसे शादी क्यों करवाई, क्या सोच के करवाई। अब क्या करेगा इन पैसों का। अब देख मोदी जी ने क्या किया है, कुत्ते कमीने। अब हम क्या करेंगे इन पैसों का। मैंने तुझे कहा था कि तू मेरी बहन की शादी में पैसे खर्च कर दे और मेरे लिए गहने ले आ, लेकिन तब तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख मोदी जी ने क्या किया है, अब तो 500 और 1000 के नोट ही नहीं चल रहे। अब बताओ मैं क्या करूं। मैंने तुझे कहा था कमीने, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। 60 लाख क्या जवाब देगा तू बैंक वालों को, इतने पैसे कहां से लाया। अब क्या कहेंगे, मैंने कहा था इन्हें खर्च कर दे मत बचा। बेमानी की रोटियां खा ली ना, अब कैसे खाएगा। मैंने कहा था कि मेरे बेटे के लिए एक फोन ले ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब बता क्या करेगा तू इन पैसों का। अब भाड़ में ही जाएंगे ना ये पैसे। और मैंने तुझे ये भी कहा था कि इसको एक स्कूटी ले ले, ताकि तू हर रोज मेट्रो से ना जाए। अपने पैसे बचाता था ना तू, अब क्या करेगा इन पैसों को बचाकर। अब इनका कोई काम ही नहीं है। अब तू 60 लाख रुपए तो जमा भी नहीं करवा सकता। मेरे पिताजी ने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी, जो तुझसे शादी हो गई मेरी। अब मैं कहाँ जाऊँ, कोई तो बताओ मुझे। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है कि मैंने तुझसे शादी करी। मैंने कहा था कि इन पैसों को बैंक में जमा करवा दे, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं माना। बड़े अमीर चंद की औलाद बन रहा था ना तू, अब बता कहाँ गई तेरी अमीरी गिरी। 500 1000 बड़े जमा कर रहा था तू 500 1000। और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। मैं मानती हूँ इन्होंने अच्छा काम किया। सारा काला धन निकलेगा, सारे बेईमान लोग फंसेंगे, जेल जाएंगे। लेकिन मोदी जी को एक दो दिन पहले बताना था, ताकि मैं कुछ सोने तो खरीद लेती, अपने बेटे के लिए फोन तो खरीद लेती। अब तो मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ।